पिंपली राज्य में आज राजा भीमदेव ने अपने दरबार में एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों के सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी भाग ले रहे थे। भाग ले रहे सभी छात्रों के लिए दान दक्षिणा थी और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए थी राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की कुर्सी। इस सम्मेलन में तक्षशिला का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहां के सबसे होनहार छात्र चाणक्य। दरबार में राजा के महामंत्री कृष्णस्वामी सभी प्रतिभागियों से एक एक कर देश के समाज के हित के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन अब तक एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं मिला था जो उनके प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर दे सके। और अब बारी आई चाणक्य की। उन्होंने राजा और पूरे मंत्रिमंडल को नमन कर अपना परिचय दिया। उसके बाद वो अपनी शिखा की गांठ को कसते हुए आ खड़े हुए राजा के सामने प्रश्नों के उत्तर देने। उनके चेहरे पर एक शालीनता का भाव था। महामंत्री ने चाणक्य से अपना पहला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अहंकार। अहंकार से बड़ा और कोई शत्रु नहीं। वहां बैठे मंत्रीगणों ने चाणक्य की प्रशंसा की। कृष्ण स्वामी ने अगला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? चाणक्य बोले, विद्या। विद्या ही सबसे बड़ा और अनमोल धन है। उत्तर सुन प्रतिभागियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन राजा भीमदेव ने उस उत्तर में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके लिए एक राजा के राजकोष का धन ही सबसे बड़ा धन था। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महामंत्री ने तीसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा वीर कौन? चाणक्य का उत्तर था, दानवीर। चाणक्य का यह उत्तर राजा भीमदेव को चुप गया। उन्हें लगा मानो चाणक्य उनकी संपन्नता, उनकी वीरता का उपहास कर रहा हो। उन्होंने अपने क्रोध को काबू में करने के लिए राज सिंहासन को कस के पकड़ लिया। चाणक्य राजा की भावनाएं भांप गए, लेकिन बगैर किसी चिंता के भाव को उजागर किए खड़े रहे। वहां बैठे प्रतिभागी और मंत्रिमंडल ने जब राजा को देखा तो वो सहम गए। महामंत्री अगला प्रश्न पूछने ही वाले थे कि राजा भीमदेव ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, इस ब्राह्मण छात्र से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अब चाणक्य की खैर नहीं, पर चाणक्य शांत मुद्रा में खड़े रहे। तभी राजा ने कठोर स्वर में पूछा, शास्त्र पढ़े या राजा? चाणक्य ने विनम्रता के साथ कहा, महाराज की जय हो। शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा की, इसलिए सबसे पहले शास्त्र। यह सुन राजा भीमदेव से रहा नहीं गया और वो अपनी राजगद्दी से उठ भरे दरबार में चिल्लाते हुए बोले, शास्त्र नहीं, एक राजा सबसे बड़ा होता है मूर्ख। क्या सिखा रहा है तुम्हें तक्षशिला? इतना भी नहीं पता कि अगर राजा नहीं होता तो प्रजा नहीं होती, और बिना प्रजा के तुम्हारे इन शास्त्रों का कोई मोल नहीं है। राजा जितने क्रोध में थे, चाणक्य ने उतने शांत स्वर में कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन आप सिर्फ जनता के हैं। जनता है इसलिए आप हैं। यह सुन भीमदेव की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उन्होंने तलवार के मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो जैसा साधारण छात्र मुझे बताएगा कि मेरा अस्तित्व सिर्फ प्रजा की वजह से है, अपनी सीमाएं मत भूल। तो खुद एक भिखारी है जो यहां दान लेने आया है। चाणक्य को यह बात चुप गई। राजा ने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि तक्षशिला का भी अपमान किया था। उन्होंने राजा की ओर देख हाथ जोड़े और उनकी आंखों में आंखें डाल कहा, महाराज, शिक्षा को पूछने वाला छात्र साधारण नहीं होता। वो एक दिन शिक्षक बन निर्माण करता है इस समाज का। वो अगर किसी को बना सकता है तो मिटा भी सकता है। और रही बात दान की, तो मैं तक्षशिला से यहां दान लेने नहीं आया था महाराज। मुझे लगा यहां ज्ञान की पूजा होती है, पर मैं गलत था। जहां शास्त्रों का मान नहीं किया जाता, वहां मैं एक क्षण नहीं रुकना चाहता। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को प्रणाम किया और दरबार से बाहर जाने लगे।
उन्हें जाता देख राजा ने अपनी तलवार खींच ली और कहा, तुझे जाने की आज्ञा किसने दी? चाणक्य के कदम वहीं रुक गए और उन्होंने पलटकर अपना शीश झुकाते हुए कहा, क्षमा महाराज, अगर मैंने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो, ये एक सम्मेलन है और मैंने बस अपने विचार व्यक्त किए। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। राजा भीमदेव का क्रोध सातवें आसमान पर था। वो तलवार उठा जैसे ही चाणक्य की ओर बढ़े तो महामंत्री कृष्ण स्वामी हाथ जोड़ उन्हें रोकते हुए बोले, महाराज क्षमा कर दीजिए इस नादान बालक को, इसे ये पता नहीं है कि ये कहां खड़ा है और क्या कह रहा है। आप दयावान हैं, ब्राह्मणों का आदर करना जानते हैं, आप क्यों एक ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर पर ले रहे हैं? इसे क्षमा दान दीजिए महाराज। चाणक्य ने भी राजा और वहां उपस्थित सभी लोगों को नमन किया और राज दरबार छोड़ जाने लगे। उन्होंने जैसे ही मुख्य द्वार की ओर अपने कदम बढ़ाए, महामंत्री ने पीछे से व्यंग करते हुए कहा, एक बात और गांठ बांध लो, अगर यही आचरण रहा तो जिस शिखा का दंभ भर रहे हो, एक दिन ना तो वो रहेगी और ना ही उस शिखा को धारण करने वाला शीश। चाणक्य ने इस अपमान का घूंट स्वाभिमान के साथ पिया और लौट आए तक्षशिला। इस बात को कुछ साल बीत गए। भीमदेव के दरबार से निकाला गया तक्षशिला का यह छात्र आज उसी शिक्षा के मंदिर में आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध था। आज चाणक्य अपने शिष्यों को राजनीति के बारे में पढ़ा रहे थे कि तभी एक विद्यार्थी ने साहस जुटाते हुए उनसे पूछा, आचार्य आपको उस दिन राजा भीमदेव से डर नहीं लगा? उनके हाथ में तलवार, दरबार में सैनिक थे, लेकिन आप तो निहत्थे थे। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, निहत्था कहां था? था ना मेरे पास मेरा सबसे बड़ा शस्त्र। ये सुन वहां बैठे शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चाणक्य ने उनकी विडंबना भांप ली, बोले, बुद्धि यही मेरा शस्त्र था और है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि, चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। यह सुन छात्रों को यकीन हो गया कि उनके आचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं है। चाणक्य अगला पाठ शुरू करते कि तभी उन्हें तुरंत पुस्तकालय में पहुंचने का संदेश मिला। पुस्तकालय पहुंच चाणक्य को वहां आए एक संदेशवाहक से पता चला कि गांधार के राजा आंबी ने बिना लड़े ही मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब सिकंदर की नजर संपूर्ण भारत पर है। खबर सुन चाणक्य चकित रह गए और कुछ सोचते हुए वहां उपस्थित आचार्यों से बोले, इसका मतलब तो यह हुआ कि सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है, हमें भारत को बचाना होगा और यह तभी संभव है जब भारत अखंड बने। मुझे शीघ्र यह बात मगध के महाराज धनानंद तक पहुंचानी होगी। चाणक्य की बात सुनकर आचार्य मेघनाथ हंसते हुए बोले, आप जानते हैं ना धनानंद कैसा राजा है और भला वो आपकी बात क्यों मानेगा। यह सुनकर चाणक्य ने जवाब दिया, मैं खुद जाऊंगा मगध और अखंड भारत का प्रस्ताव उनके सामने रखूंगा। मुझे विश्वास है कि वो भी भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाना चाहेंगे। मेघनाथ बोले, धनानंद सुनेगा और वो भी आपका प्रस्ताव? भीमदेव के दरबार से बचकर निकल आए, अपने को भाग्यशाली समझिए। धनानंद के दरबार गए तो मान और जान दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरा सुझाव मानिए और केवल अपना काम कीजिए, बच्चों को शिक्षा देने का काम, भलाई इसी में है। ये सुन के चाणक्य हैरानी से बोले, आचार्य मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों को सही दिशा दिखाना। अगर राजा धनानंद अपनी दिशा से भटकेंगे तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें सही रास्ता सुझाऊं, नहीं तो सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं होगा। यहां आप अपना कर्तव्य भूल गए हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आज ही मगध के लिए निकलना होगा।
पिंपली राज्य में आज राजा भीमदेव ने अपने दरबार में एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के